बीच बड़ी खबर कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर रोकने की कोशिश की। कांग्रेस में कई नेता जो हैं जो राम से नफरत करते हैं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। और एक बड़ा आरोप है कि 2024 की शुरुआत में जहां राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उससे ठीक पहले, चुनावों से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से बयान अपने आप में बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेसियों ने धर्म गुरु का अपमान किया, नेता हिंदू शब्द से भी नफरत करते हैं। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्म गुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे। बड़ी खबर कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने राम मंदिर रोकने की कोशिश की। कांग्रेस में कई नेता जो हैं जो राम से नफरत करते हैं, ये आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा। और एक बड़ा आरोप है कि 2024 की शुरुआत में जहां राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, उससे ठीक पहले, चुनावों से पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम की तरफ से बयान अपने आप में बड़ी मुश्किलें पैदा कर सकता है कांग्रेस के। उन्होंने कहा कि कई कांग्रेसियों ने धर्म गुरु का अपमान किया, नेता हिंदू शब्द से भी नफरत करते हैं। मैंने महसूस किया है कि कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिन्हें राम मंदिर से नहीं, राम से भी नफरत है। हिंदुत्व से नहीं, हिंदू शब्द से नफरत है। हिंदू धर्म गुरुओं को अपमान करना चाहते हैं। उनको अच्छा नहीं लगता कि कोई हिंदू धर्म गुरु पार्टी में रहे।